राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी सब कुछ ठीक होने की बात जो कही जा रही है वो उचित नहीं लग रही है। कारण कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें भीतर खाने में चल रही हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और तेजस्वी यादव के नए जो छत्रप हैं उनको लेकर के पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है और भारी बवाल है। इन बवाल को लेकर के अक्सर आपने देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं तो खास करके ये विवाद उभर करके सामने आता है या फिर कोई बड़ी बैठक होती है तो विवाद सामने नज़र आता है। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब जगतानंद के फैसले पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनके पिताजी की पार्टी को अब संभालने में मुश्किल हो रही है, वैसे लोगों को जो पिताजी के साथ रह करके अब भीतर घात कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके फैसले उचित नहीं है और उनके फैसले पर आपत्ति जताई है, उन्हें तानाशाह बताया है और एक बार फिर विवाद बढ़ना निश्चित लग रहा है। राजद कार्यालय के सचिव चंदेश्वर प्रसाद सिंह को उनके पद से हटाने का उन्होंने विरोध किया है। आपको बता दें चंदेश्वर प्रसाद लंबे समय से लालू प्रसाद के करीबियों में से माने जाते थे और उनके कार्यालय संचालन से किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई। बहुत लंबे समय से वो पार्टी के वफादारों में से रहे हैं और इस बात को लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की है। इस नापसंद को लेकर के और पसंद को लेकर के पार्टी नहीं चलती है। लालू प्रसाद बहुत लोगों को पसंद और नापसंद भी करते थे लेकिन सभी लोग साथ में रहते। तेज प्रताप का ये मूव कहीं ना कहीं चुनाव के समय में इस बात की तरफ तस्दीक कर रहा है कि इस बार फिर चुनाव में कुछ ना कुछ झमेला बढ़ना निश्चित है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर में इस तरह का उहापोह और बवंडर जरूर मचता है। जगतानंद सिंह ने चंदेश्वर को उनके पद से हटा दिया है तो तेज प्रताप ने फेसबुक पोस्ट लिख करके विरोध जताया। चंदेश्वर की तरफदारी करते हुए उन्होंने 28 वर्षों तक उनके कार्य को की सराहना की है और कहा है कि वो एक सच्चे सिपाही थे। चंदेश्वर प्रसाद को चाचा जगतानंद सिंह ने जिस तरह से बिना कारण हटाया है ये कहीं से उचित नहीं है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। तेज प्रसाद ने लिखा है कि बचपन से ही वह चंदेश्वर प्रसाद को देखते आ रहे हैं। लालू प्रसाद और राजद के प्रति उनका प्रेम निस्वार्थ रहा है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि एक पतला दुबला व्यक्ति कुर्ता पैजामे में अक्सर आपको कार्यालय में जब भी जाइएगा तो नज़र आ जाता था। इन सारी बातों को लेकर के उनके प्रेम और निस्वार्थ भाव को जिस तरह से इनाम दिया गया है ये कहीं से उचित नहीं है और तेज प्रताप के इस मूव के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी एक बार फिर चुनाव से पहले चिक-चिक शुरू हो गई है और ये चिक-चिक कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है तेजस्वी यादव और उनके इस नई टीम के फैसले पर। अक्सर देखा जा रहा है कि जगतानंद सिंह के बयान को लेकर के और जगतानंद सिंह के कई ऐसे फैसले को लेकर के तेज प्रताप यादव उंगली उठाते रहे हैं और इस बार तो पूरी तरह से चंदेश्वर प्रसाद सिंह को हटाने के और उनके पद से हटाने पर लेकर के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है और साफ तरीके से इस फैसले से असहमति जाहिर की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप के इस फैसले पर मुहर लगाते हैं या उनके इस नाराज़गी को दूर करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि इधर पिछले काफ़ी दिनों से लगातार तेजस्वी यादव तेज प्रताप को अपने भरोसे में रखने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये बवाल किस करवट लेगा समझना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, देखिए इस पर क्या एक्शन होता है और राष्ट्रीय जनता दल क्या अपने फैसले को बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।